पिछले दिनों विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के बीच हुए नोकझोंक को लेकर युवा जदयू के कार्यकर्ताओं ने पूर्णिया के आरंसा चौक पर तेजस्वी यादव का पुतला दहन किया। जदयू नेताओं ने तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री से माफी मांगने की भी मांग की है। पूर्णिया से सिटी हलचल के लिए विनीत राज की रिपोर्ट। पुतला दहन है और माननीय मुख्यमंत्री जी के को अमर्यादित बयान के कारण तेजस्वी यादव का हम लोग पुतला दहन कार्यक्रम रखे हैं। बिहार के युवा जदयू के प्रदेश अध्यक्ष के निर्देशानुसार मैं जिला अध्यक्ष प्रदीप कुमार मेहता के द्वारा और महानगर युवा साथियों के द्वारा यहां जो है पुतला दहन कार्यक्रम रखा गया है। मैं आह्वान कर कहना चाहता हूँ तेजस्वी यादव, जिसे आप अपने वाणी पर लगाम लगाएँ, आप अपने राजनीतिक जीवन का शिक्षा अपने पिता श्री लालू प्रसाद यादव से सीखने का प्रयास करें। आपका आपने बिहार के 12.25 करोड़ जनता का जनादेश का अपमान किया है। इसके विरोध में हम सभी युवा जदयू सार्वजनिक रूप से पुतला दहन कार्यक्रम किए हैं पूर्णिया में। माफ़ी नहीं मांगेंगे तो मेरा प्रखंड स्तर पर ये पंचायत स्तर पर पुतला दहन कार्यक्रम जारी करेंगे। मैं युवा जदयू जिला अध्यक्ष प्रदीप कुमार मेहता। कुछ सपने साकार होते हैं और कुछ सपने खो जाते हैं। हर दिल में एक अपना घर का सपना होता है, जो करते हैं हम साकार। आप कदम तो बढ़ाइए, पनोरमा ग्रुप में आइए, पनोरमा परिवार।